Very good morning to all. Today's class will discussing regarding with the classification of the bacteria. Bacteria के classification regarding अपन discuss करने वाले कि क्या होता है. सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने चाहिए, अपन ने बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाई क्यों किया. सी, इन अवर सराउंडिंग देर इज अ लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया. तो अपन उस लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया को ऐसे ही नहीं पढ़ सकते. अपन उस लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया को सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सर्टन फीचर्स, जिनके जिनके सेम होंगे उनके ग्रुप ग्रुप करेंगे एंड देन अपन स्टडी करेंगे ताकि अपने को इजी हो. ओके, सो बेसिस ऑफ दैट टू ईज ऑफ स्टडी, अपने अपने स्टडी को ईज बनाने के लिए, अपने स्टडी को सिंपल बनाने के लिए अपन ने बैक्टीरिया को सर्टन फीचर्स में, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिवाइड किया है. That's all about the classification of the bacteria. तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि bacteria का classification certain characteristics and feature के according किस किस तरह से किया गया है. Okay, moving forward. So here it is. ठीक है, उनके देखो उनके characteristics and the उनके features के according ये classification किया गया है. ठीक है, फीचर्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है, बॉडी के फीचर्स क्या है. ओके, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये क्लासिफिकेशन किया गया है. ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द शेप. ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. शेप के अकॉर्डिंग मतलब कैसे हो गया, ये कैसा है, ये सर्कल है कि ये रॉड है कि ये कैसा है, उस अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया. मैं यहाँ पे ये रफली आइडिया देती हूँ ताकि अपन तो डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ने ही वाले हैं आगे, लेकिन ये मैं क्लासिफिकेशन ऐसे ही कर रही हूँ. ठीक है, क्लासिफिकेशन ये रफली दे रही हूँ, अपन डिस्क्रिप्शन में तो आगे पढ़ नहीं वाले हैं. राइट, सेल वॉल के अकॉर्डिंग उसके सेल वॉल में कितना कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन मोड के हिसाब से, ठीक है, न्यूट्रिशन के हिसाब से, उसका फ्लैजेला कैसा है. फ्लैजेला मतलब ये मूविंग लाइक पार्ट हो गया, ये जैसे बैक्टीरियल सेल है ये जो भी फ्लैजेला हो गया ये हो गया. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर, मतलब जो भी हार्ड कवरिंग होती है विच इज प्रोड्यूस ऑन द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द माइक्रोब, माइक्रोब के अनफेवरेबल कंडीशन में वो फॉर्म करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन किया गया. ऑन द बेसिस ऑफ द मार्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मार्फोलॉजी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया. क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द साल्ट कंसेंट्रेशन के हिसाब से किया गया, हैलोफाइल्स है, हैलोएट्रोट्रॉप्स है, ठीक है, हैलोजन गैसेस के रिक्वायरमेंट में ये है, जैसे कि NaCl हो गया. राइट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमल पीएच, मतलब वो एसिड के इसमें ग्रो करते हैं कि अल्कलाइन केस में ग्रो करते हैं कि न्यूट्रल केस में ग्रो करते हैं, वैसे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से साइक्रोफाइल्स वगैरह वगैरह, ये हो गया. राइट, तो अपन एक एक करके डिस्क्रिप्शन में जानते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उनका पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं. राइट, सो सी स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप था. राइट, तो इसमें देखते हैं अपन कि क्या होता है. बैक्टीरियल शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, मतलब वो कैसा है, वो सर्कुलर फॉर्म में, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, इसके शेप के अकॉर्डिंग. राइट, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज द कोकस. ठीक है, कोकस मतलब स्पीयर होता है, ऐसा ये सर्कल टाइप स्पीयर होता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीयर, स्पीयर लाइक शेप हो गया, दैट इज अ कोकस. सेकेंड क्लासिफिकेशन बैसिलस, इसका मतलब रॉड होता है. देखिए मैं ऐसा ये डायग्राम भी ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आपको इजी जाए, ऐसे रॉड लाइक शेप हो गया, मतलब ये हो गया बैसिलस. थर्ड जो है स्पीरिलस, स्पीरिलस मतलब स्पाइरल लाइक, सपोज ये एक कॉन्सेंट्रिक ये है रॉड है, उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे जा रहा है, स्पाइरल 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 होते. फॉर एग्जांपल आपके वो पुराने टेलीफोन आते थे उसकी वायर इज अ स्पाइरल लाइक शेप, वो स्पाइरल लाइक शेप के होते थे. ठीक, स्पीरिलस हो गए. तो ये सर्टन क्लासिफिकेशन हो गए, जो भी बैक्टीरिया ऐसे स्पीयर राउंड शेप में होते थे उसको कोकस कहा गया था,
जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप में होते थे उसको बैसिलस कहा गया था। जो भी ये बैक्टीरिया ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, स्पाइरल शेप में एग्जिस्ट करते थे, उनको स्पेरिलस कहा गया था, राइट? ओके, तो अब अपन देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया। जो अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप का कहा गया था, तो उसके अंदर जो भी शेप्स आते थे, कोकाई, स्पिरिलस, बैसिलस, तो उसके अंदर भी जो कोकाई था स्पीयर लाइक शेप था, ठीक है, ऐसे स्पीयर लाइक शेप था, कोकाई मतलब ऐसे स्पीयर लाइक शेप हो गया, उसके अंदर भी सर्टेन क्लासिफिकेशन आता है, तो वो अपन देखते हैं। दैट इज अ मोनोकोकस। पहला जो हो गया वो मोनोकोकस, नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो मोनो और कोकस, एक कोकस। जो भी एक स्पीयर लाइक शेप होगा, दोज द ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया पजेसेस वन स्पीयर लाइक शेप इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मोनोकोकस, उनको कहेंगे मोनोकोकस बैक्टीरिया। ओके, डिप्लोकोकस मतलब दो, ठीक है, क्लस्टर टुगेदर हो गए, ये दो कोकस, दो स्पीयर इज क्लस्टर टुगेदर इन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब जो भी इनके सेल वॉल है वो डिफ्यूज कर गए, एक ही समान दिखती है, लेकिन ये दो कोकस के एक दो कोकस के क्लस्टर से बनी है, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। थर्ड हो गया टेट्राकोकस। टेट्राकोकस मतलब जो चार कोकस हुए उसके क्लस्टर से, उसके टुगेदर से बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्राकोकस। जो भी सार्सिना है, दैट इज अ सार्सिना, इट इज अ मेड अप मोर देन द एट कोकस, एट कोकस का क्लस्टर बन के फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सार्सिना। देन द स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है, जो भी कोकस फॉर्म होता है, जो भी स्पाइरल लाइक शेप्स होते हैं वो एक लॉन्ग चेन में फॉर्म कर जाते हैं, ऐसे ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ऐसे लॉन्ग चेन में फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अब देखो स्टेफेलोकोकस में क्या है, स्टेफेलोकोकस में देयर इज अ नंबर्स ऑफ कोकस व्हिच इज क्लस्टर टुगेदर, ठीक है, इसमें क्या है, पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ द कोकाई का दिया नहीं गया कि कितने कोकस एक जगह होके क्लस्टर करते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ कोकस एक जगह पे आते हैं और अपना फॉर्मेशन करते हैं, इस कॉल्ड एज अ स्टेफेलोकोकस, राइट। देखते हैं टाइप्स ऑफ द बैसिली। बैसिली मतलब मैंने पहले ही कहा था, बैसिली मतलब क्या होता है, रॉड लाइक शेप, बैसिली मींस अ रॉड लाइक शेप। अब देखो बैसिली में क्या है, इज अ सिंगल बैसिली, मतलब एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, सिंगल बैसिली, उसका एग्जांपल है बैसिलस सीरस। बैसिलस सीरस इज द एग्जांपल ऑफ द सिंगल बैसिली। स्ट्रेप्टो बैसिली, इसमें नंबर्स ऑफ द जो बैसिली रॉड लाइक शेप होंगे वो क्लस्टर होंगे, जॉइन होंगे, इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टो बैसिली। अब इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टो बैसिलस मोनिली फॉर्मेस। मूविंग फॉरवर्ड पैलिसिड्स। पैलिसिड्स मींस व्हाट, आप देख रहे हैं इमेज में, जैसे कि जो भी बैसिली है वो बैसिली सर्टन जगह से, किसी किसी जगह से सिर्फ क्लस्टर हो गए, कंबाइन हो गए, लिंक हो गए, इस कॉल्ड एज द पैलिसेड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्निबैक्टेरिया डिप्थेरिया। कॉर्निबैक्टेरिया डिप्थेरिया, पैलिसेड्स में जो भी बैसिली है वो एक सर्टेन जगह से ज्वाइन और लिंक होंगे, एंड कुछ कुछ जगह से वो ओपन अप होंगे, राइट। और फोर्थ जो है वो डिप्लोबैसिली। डिप्लोबैसिली मतलब दो दो के पेयर में, राइट, दो दो पेयर में है ना। मॉर्गजेली बोविस इज द सर्टेन एग्जांपल ऑफ डिप्लोबैसिली, ठीक है, डिप्लो मतलब दो दो क्लस्टर है, टुगेदर है, दैट इज अ डिप्लोबैसिली। ओके, आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ बैसिली क्या है, सिंगल बैसिली एक सिंगल रॉड होगा, स्ट्रेप्टो बैसिली मतलब एक चैन के फॉर्म में बैसिली, रॉड्स अटैस्टेड होंगे, पैलिसेड्स मतलब इन सर्टन जगह पे ही वो लिंक और टुगेदर होंगे, एंड डिप्लोबैसिली मतलब दो दो रॉड होंगे, दो दो रॉड के शेप में ये होंगे, बैसिली होंगे, राइट। अब अच्छा, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ अ स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब अपन ने देखा था थोड़ा सा ट्विस्टेड लाइक होता है, सी मैं आपको ये थोड़ा सा डायग्राम में समझाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा ट्विस्टेड लाइक होता है, मतलब एक कोसेंट्रिक डिसाइड किया होता है, ऐसे ऐसे कोसेंट्रिक डिसाइडेड होता है और उसके अराउंड ये ट्विस्टेड ट्विस्टेड होता है। ओके, सो ये होता है द टाइप्स ऑफ द स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब ऐसे, स्पाइरल मतलब ये ऐसा ऐसा लपेटा हुआ, राइट। अब इसके सर्टेन एग्जांपल अपन देखते हैं, पॉइंटर कहा गया, यस, वाइब्रियो। वाइब्रियो इज अ
आप वाइब्रियो में क्या कर रहे हैं कि एक स्पाइरल, एक एक नॉड ऑफ स्पाइरल है, एक नॉड ऑफ स्पाइरल है, ठीक है। ये जो एक नॉड ऑफ स्पाइरल है इज एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज द वाइब्रियो। सेकेंड इज द स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम मतलब क्या है, ये बहुत सारे ये क्रिस्टेंट्रम्स बना रहा है और ये फ्लैजेला है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दैट इज अ स्पाइरिलियम। एंड स्पाइरोचिट्स, स्पाइरोचिट्स में दो स्पाइरल्स अटेस्टेड है, यहाँ पे आपको दो स्पाइरल्स अटेस्टेड दिखे मिलेंगे स्पाइरोचिट्स में। आपको समझ में आएंगे कि टाइप्स ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया क्या है, दैट इज वाइब्रियो, सेकेंड इज अ स्पाइरिलम एंड थर्ड वन इज अ स्पाइरोचिट्स। ओके, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सेल। हमने अभी तक क्या देखा, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग, बैसिली के शेप के, कोकाई के शेप में, वाइब्रियो के शेप में हमने क्लासिफिकेशन देखा, राइट। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, राइट। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल होंगी, सेल में सेल वॉल होंगी, तो उस सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशन है और किस कंपोजिशन में कम ज्यादा है, उस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल, राइट। सो फर्स्ट इज नथिंग अबाउट, अपन देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल एंड लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल। द मेजर क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग विद द सेल वॉल, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे मैं ये सिंबल बनाती हूँ पॉजिटिव का, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन इट इज वन ऑफ कंपोजिशन फाउंड इन द सेल वॉल। इसका जो कंपोजिशन होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है एज कंपेयर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मैं एक ऐसे मिडलाइन बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दो टाइप ऑफ द बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये जो भी है कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड ग्राम निगेटिव में जो अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन है निग्लिजेबल और पाया भी नहीं जाता, एक भी नहीं होता। मैं माइनस साइन यहाँ पे दे देती हूँ, एक भी नहीं होता और एकदम सा निग्लिजेबल अमाउंट में पाया जाता है, राइट। आप फर्दर स्लाइड में देखेंगे भी कि कैसा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का क्लासिफिकेशन किया गया, राइट। सो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव के केस में एंड ग्राम नेगेटिव के केस में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मींस व्हाट, पॉलीसेकेराइड मींस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ का, ओके, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल के बेसिस पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये हो गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन है जो सेल वॉल में पाया जाता है, सेल वॉल में क्या पाया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑफ फूड टेक, कि जो भी सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है इसके अंदर ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन का जो भी कंपोजिशन है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और पेप्टिडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन पाया जाता है। एंड आज आप देखते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अमाउंट में निग्लिजिबल और पाया ही नहीं जाता, एक तो पाया ही नहीं जाता और एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है, राइट। इट इज रिगार्डिंग विद द पेप्टिडोग्लाइकॉन। जो भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल, इट इज ऑल अबाउट द पेप्टिडोग्लाइकॉन, राइट। रिमेंबर वन थिंग, सेकेंड इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है दोनों में, राइट। आप दोनों में भी देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती क्या है, जो भी सेल अपनी वो सेल है, एक सेल आप कंसिडर कर लीजिए, इसमें एक फ्लूइडी सा मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ठीक है, ऐसे एकदम ग्रैन्यूल, मतलब उसमें ग्रैन्यूल्स इंटैक्ट होते हैं और फ्लूइडी सा मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म को सेल में इंटैक्ट करने के लिए वन वन लेयर होती है, इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसको अपन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे।
देन हो गया ये पेरी प्लाज्म, पेरी मतलब आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरी प्लाज्म मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, राइट। सो हियर दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग ऑफ द बैक्टीरिया रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन है। यहाँ पे मेजर आप यही ध्यान रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन इज ऑल अबाउट द पेप्टिडोग्लाइकन, जो भी पॉजिटिव होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाएगा, और ग्राम निगेटिव के केस में एक भी पेप्टिडोग्लाइकन पाया नहीं जाएगा, और एकदम सा पाया जाएगा तो भी निग्लिजिबल केस में, राइट। नोट इट आउट, नोट इट दैट पॉइंट। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो किस बेसिस पे, किस किस मतलब वो जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिशन, अपना जो फूड इंटेक है, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो किस मोड पे ले रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ये अपना हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अपने आपने तो जनरली पढ़ा ही होगा, एंड हेटरोट्रॉप। ओके, ऑटो मीन्स खुद से वो ये करते हैं, हेटरो मीन्स विच इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स, इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से बनाते हैं, इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप। हेटरोट्रॉप्स मींस व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और फॉर देयर न्यूट्रिशन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड देखो, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन द कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूजेस द सनलाइट और द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज द ऑटोट्रॉप। सी हियर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग बट द फूड, जो भी न्यूट्रिशन वो बना रहे हैं और न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप। मतलब जो भी फूड इंटेक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो विद द हेल्प ऑफ वो लाइट एनर्जी कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कर रहा है, इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप, उसको अपन ऑटोट्रॉप कहेंगे। नेक्स्ट, दिस बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ऑटोट्रॉपिक मेक देयर फूड ओन, विच इज अ फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस करके आपने जनरली फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक रिएक्शन है होंगी वो पढ़ी होंगी। एंड कीमोसिंथेसिस केमिकल का यूज करके, सर्टन केमिकल्स है वो सर्टन केमिकल्स का यूज करके भी अपना फूड बनाया जा सकता है, इज कॉल्ड एज अ कीमोसिंथेसिस। कीमो मीन्स के विथ यूजेस ऑफ द केमिकल, सिंथेसिस ऑफ द own nutrition, own food is called as the chemosynthesis. The best example is the nitrifying bacteria. जो भी nitrogen containing bacteria होते हैं, that is a chemosynthetic bacteria. And the photosynthesis means with the help of the photosynthesis they make their own nutrition is called as the photosynthetic bacteria. Sulfur content purple sulfur bacteria. इसमें example हो गया, right? अब heterotroph. Heterotroph are the organism that can make their own own food. बट इंस्टेंट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिक सोर्स दैट मे बी अ लिविंग और अ डेड। ये क्या है, खुद से बनाते नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक सोर्स, एक ऑर्गेनिक सोर्स से अपना जो भी अदर ऑर्गेनिक सोर्स है उस अदर ऑर्गेनिक सोर्स से ये बनाते हैं, राइट। ये हो गया हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप टेक द फूड, कहीं से तो भी वो लेते हैं। सपोज ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स से वो फूड लेते हैं अपना, ठीक है, दैट इज अ हेटरोट्रॉप्स। वो हेटरोट्रॉप्स कहेंगे टेक इन फूड। फर्स्ट इज अ सैप्रोफाइट, ओके, सेकंड एंड बेस्ट एग्जांपल इज अ पैरासाइट। सैप्रोफाइट एंड द पैरासाइट, सैप्रोफाइट में जो भी बैक्टीरिया डीके होंगे, ठीक है, उसमें से अपना न्यूट्रिशन वो लेंगे, इज कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट्स। ओके, एंड द पैरासाइट्स मींस बेस्ट एग्जांपल इज ऑल अबाउट द पैरासाइट्स, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई अपने पिछले स्लाइड्स में देखे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई कौन से होता है, जो भी कोकाई एकदम जेल लाइक फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ आप देख पा रहे होंगे, ऐसे चेन फॉर्म में होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ
स्ट्रेप्टोकोकाई इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिक, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। अच्छा, मूविंग टू, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, राइट। वन सेकेंड, मैं इंक ले लेती हूँ। ओके, अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया, राइट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अपना साइक्रोफाइल्स, देन साइक्रोट्रोप्स, देन मीजोफाइल्स, देन फोर्थ इज थर्मोफाइल्स, फिफ्थ इज हाइपर थर्मोफाइल्स। ठीक, ये जानते हैं अब, एक एक जानते हैं अपन क्या क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रोप्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और हाइपर थर्मोफाइल्स मतलब क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। देखो, साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ, यहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा पॉइंट, 15 डिग्री सेल्सियस और बिलो एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड एज अ सैक्रोफाइल्स। देखो, ये जो भी अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन है, इसमें टेम्परेचर वेरिएट देखने को आपको मिलेगा, उसके हिसाब से उसके नाम, उसके हिसाब के उसको कैरेक्टराइज किया गया है, राइट। तो पहले आता है अपना साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स में क्या है, जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ग्रो है, वो 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाती है, पर उसकी जो ग्रोथ है, फर्दर ग्रोथ तो वो हो जाता है 0 और 0 डिग्री के लो में, लेकिन उसकी फर्दर जो ग्रोथ है उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस और उसके बिलो है, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 के रेंज में जाता है। मतलब अपन इसकी थोड़े सा ब्रॉडली क्लासिफाई किए तो जो ग्रोथ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है एंड फर्दर ग्रोथ 15 to 20 के रेंज में हो जाती है, इज कॉल्ड एज अ सैक्रोफाइस। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो अपन सामने जो भी देखने वाले हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और जो भी क्लासिफिकेशन देखने हैं उसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो वाइब्रियो साइक्रोफाइटस, ओके, वाइब्रियो मैराथनस, पोलर मोनस, वैक्यूलाटा साइक्रोफ्लेक्सस इज द सर्टन एग्जाम्पल ऑफ द साइक्रोफाइल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स आप इनको रट लो और कुछ इसको याद कर लो, लिख कहीं पे लिख लो, 18 बार उसको देखो, लेकिन दैट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइब्रियो साइक्रोराइथस, वाइब्रियो मिथारस, पोलामिनस, वैक्यूलाटा साइक्रोफाइलस, ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन है वो दैट इज अ साइक्रोट्रोप्स। साइक्रोट्रोप्स क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। दोज द बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज अ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 20 to 15 था, ठीक है, 15 to 20 के रेंज में था, साइक्रोट्रोप्स में 20 to 30 के रेंज में बढ़ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इन बिटवीन साइक्रोफाइल्स एंड साइक्रोट्रोप्स, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो ग्रो है होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो होती ही है, बट ऑप्टिमम फर्दर जो ग्रोथ है वो 20 और 30 के रेंज में उसको लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्रोट्रोप्स, इज कॉल्ड एज अ साइक्रोट्रोप्स, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स मतलब क्या होता है ये देखते हैं। दोज द बैक्टीरिया दैट कैन बेस्ड बिटवीन द 20 to 40 degrees Celsius, but optimum temperature for the growth is a 37 degrees Celsius. जो those groups of the bacteria which is grow, वो grow होते हैं 20 to 40 degrees Celsius के temperature पे, 20 to 40 degrees Celsius के temperature पे, लेकिन जो भी further growth है, सामने की growth है, वो at best temperature 37 degrees Celsius में, जो भी human का मतलब जो भी ह्यूमंस है, अपन सर्वाइव किस टेम्परेचर पे करते हैं, मतलब जो भी अपना इनर बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी टेम्परेचर पे ये जो बैक्टीरिया फर्दर ग्रोथ करते हैं, इज कॉल्ड एज द मेसोफाइल्स, इज कॉल्ड एज द मेसोफाइल। मेसोफाइल के आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन।
ये है एग्जाम्पल्स, दैट इज इकोलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्मोनेला के कुछ अदर टाइप्स होते हैं वो भी, सैल्मोनेला, देन द क्लेबिसिया क्लेबिसियल्स, देन द स्टेफेलोकोकस स्टेफेलोकोकस इज द सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ द मीजोफाइल्स. अब देखते हैं सर्टेन, दैट इज अ थर्मोफाइल्स. व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मो? थर्म मीन्स हीट. Therm means hate and files mean loving. Philophilic files means loving. Okay, those the bacteria that can best grow above 45 degrees Celsius. ये थोड़ा सा ज़्यादा temperature हो गया. That's why it is called as the thermophiles. जो भी bacteria, the groups of the bacteria which is grow at the temperature 45 degrees Celsius is called as the thermophile. ठीक है, जो भी group of the bacteria होंगे 45 degree के इसमें range में grow करते होंगे उसको हम थर्मोफाइल्स कहेंगे. एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, बैसिलस स्ट्रेप्टो, बैसिलस थर्मोफिलस एंड थर्मस एक्वाटिकस, राइट, इज अ सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोफाइल्स. देन द हाइपर थर्मोफाइल्स, हाइप थर्मोफाइल्स और हाइपर भी कहा जाता है. हाइप थर्मोफाइल्स क्या होता है? ये those the bacteria that have optimum temperature of growth above the 80 degrees Celsius, 80 degrees Celsius के भी अबाव में ये ग्रो कर जाते हैं is called as the high thermophiles, right? Example, it is the thermosulfobacteria, aqualis pyrobulus fumaris and thermotoga is the certain example of thermophiles. ठीक है, तो सी आपने देखा कि टेम्परेचर रेंज में, टेम्परेचर वेरिएशंस में इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, साइक्रोफाइल, साइक्रोटोफाइल्स, मीजोफाइल, थर्मोफाइल एंड हाइप थर्मोफाइल्स. ठीक है, इसकी रेंज बस आप याद रखिए एंड बेस्ट एग्जांपल इज अ एग्जांपल याद रखिएगा. ठीक है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम पीएच. पीएच कितना रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया उसके लिए. तो पहला हो गया एसिडोफाइल बैक्टीरिया, सेकंड हो गया अल्काइल फाइल्स एंड थर्ड हो गया न्यूट्रीफाइल्स. थर्ड हो गया न्यूट्रीफाइल्स. ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसिडोफाइल्स मतलब क्या होता है. थोड़ा सा नेम हमें पढ़ के ये लग रहा है कि इट इज समथिंग इज रिलेटेड विद द एसिड कंटेंट, इज समथिंग इज रिलेटेड विद द अल्काइल बेसिक एंड इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू विद द न्यूट्रल कंडीशन. ठीक है, तो एसिडोफाइल्स मीन्स व्हाट? दोज द बैक्टीरिया दैट ग्रो द बेस्ट एट द एसिडिक कंडीशन. जो भी एसिडिक कंडीशन में बेस्ट ग्रो कर जाते हैं दैट्स ऑल ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द एसिडोफाइल. उसे हम एसिडोफाइल कहेंगे. The cytoplasm of this bacteria are the acidic in the nature. मैंने पहले ही कहा था जो भी बैक्टीरिया होते हैं, सी तो ये एक सेल है, राइट, तो उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है जो रहते हैं. तो उसमें से जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी लिक्विड सा सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म एसिडिक, ये साइटोप्लाज्म भी एसिडिक इन द नेचर होता है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट. सम एसिडोफाइल्स आर द थर्मोफिलिक इन द नेचर, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द थर्मो एसिडोफाइल. दो सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया, जो भी एसिडोफाइल है, एसिडोफाइल तो है मतलब ग्रो एट द एसिडिक कंडीशन, बट थर्मोफिलिक भी है. थर्मोफिलिक मीन्स थर्म मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग, हीट लविंग भी है. एट द सेम टाइम एसिडोफाइल होके भी थर्मोफिलिक है, उस बैक्टीरिया को, उस ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया को अपन कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल, इज कॉल्ड एज द थर्मो एसिडोफाइल. बेस्ट एग्जाम्पल इसका है थियोबैसिलस थियोक्सीडन, थियोबैसिलस फेरोक्सीडन, थर्मोप्लाज्म सल्फोबोलोबस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लाज्म. मेरा तो ये सजेशन रहेगा आप ये एग्जाम्पल पूरे रट लीजिए, पूरा याद रखिएगा, क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है कि एसिडोफाइल मतलब क्या होता है, ये एसिडिक पीएच में वो ग्रो कर जाते हैं, और ये थर्मो एसिडोफिलस क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट इनफ, एंड एग्जाम्पल तो आपको रटनी है, राइट. देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट,
जो भी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच इज नथिंग बट द अल्काइल फिलर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द अल्काइल फिलर्स? दोस द बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो बेस्ड एट द अल्कलाइन पीएच. अल्कलाइन पीएच मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये पीएच स्केल ड्रॉ की राइट, तो इसमें क्या है, ये जो मिड वाला सेक्शन है वो विच इज द 7, ठीक है, इस रेंज में 6.5 और 7.5 के रेंज में जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं विच इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल न्यूट्रन कंडीशन में. एंड जैसे जैसे कि पीएच की जो रेंज है वो कम कम हो जाती है, वो विच इज शोज द एसिड इन नेचर, एसिडिक ओवर नेचर वो शो कर जाता है. एंड पीएच की रेंज जैसे जैसे बढ़ जाती है वो बेसिक इन द नेचर शो किया जाता है, अल्कलाइन इन द नेचर शो किया जाता है, ठीक है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया वाइब्रियो कोलरी. वाइब्रियो कोलरी क्या होता है, एक बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो वाटर में ग्रो कर जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलेरा डिसीज, ठीक है, वो 8.2 के रेंज में ग्रो कर जाता है, इसको इसलिए उसको अल्काइलो फाइल्स कहा जाता है, अल्कली फाइल्स कहा जाता है. फाइल्स मतलब लविंग होता है राइट. जो बेसिक कंडीशन में, इसकी बेसिक कंडीशन क्या है, 8.2. देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करती हूँ कि कहा है, ठीक है, ठीक है, ये 8.2 देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इस रेंज में वो आएगा 8.2 के रेंज में बेसिक कंडीशन में वाइब्रियो कॉलरी. थर्ड हो गया न्यूट्रोफाइल. न्यूट्रीफाइल, न्यूट्रीफाइल मतलब क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में हो गया. दोस द बैक्टीरिया दैट इज बेस्ड ग्रो एट द न्यूट्रल कंडीशन. न्यूट्रल कंडीशन कौन सी हो गई, 6.5 टू 7.5. ये देखो यहाँ पे 6 है और ये देखो यहाँ पे 6 है, जैसे कि ये 6.5, ये यहाँ पे 6.5 हो गया. सपोज मैं डार्क कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड यहाँ पे सपोज 7.5 होगा. तो इस रेंज में जो भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मैं ये पॉइंटर से दिखाती हूँ आपको, बेस्ट समझ में आएगा. 6.5 से लेकर 7.5 इस रेंज में जो भी ग्रो कर जाते हैं इसको कॉल्ड एज द न्यूट्रीफाइल्स, इसको कॉल्ड एज द न्यूट्रीफाइल, उसको न्यूट्रियोफाइल कहा जाएगा. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट द न्यूट्रल, जो भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है वो न्यूट्रोफाइल की कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं. बेस्ट एग्जांपल है इकोला. अब ये जो भी इकोला है विच इज ग्रो इन द वाटर, वाटर इट इज इन द न्यूट्रल कंडीशन. पीएच क्या होता है वाटर का, 7 से लेकर 7.5 तक होता है, 7 मतलब रेंज कर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन न्यूट्रल कंडीशन में होता है. आप धर लीजिएगा 7 to 7.5 के रेंज में होता है, ठीक है, That is the E. coli. मतलब certain industry में क्या होता है, E. coli test perform की जाती है in the water, जैसे कि बिस्लरी के प्लांट में, वैली के प्लांट में, ठीक है, to detect of the E. coli bacteria, ठीक है. अब next होता है, remember one thing is here is that aerobic bacteria which is require O2 for their growth. is called as the aerobic bacteria. उसको क्या कहेंगे हम, those group of microbes which require oxygen for their growth is called as the aerobic bacteria. And those group of the microbes which is does not require the oxygen for their growth is called as the anaerobic bacteria. उसको क्या कहेंगे अपन, anaerobic bacteria, right? अब इसके भी certain types है aerobic bacteria के और anaerobic bacteria के, वो अपन certain देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स है इन द एरोबिक बैक्टीरिया एंड द अनएरोबिक बैक्टीरिया. पहला है एरोबिक बैक्टीरिया और सेकेंड है अनएरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया विच इज फॉल्स अंडर इन द ऑब्लिगेट एरोब्स. ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, ऑब्लिगेट मीन्स जरूरी है, फर्दर रिक्वायरमेंट भी है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इट मीन्स ऑब्लिगेट, ठीक है. एंड अनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स, अनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स यस, दोज द ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोब्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देम फॉर ग्रोथ. इसमें सर्टेन जो टाइप्स है वो है फैकल्टेटिव अनारोब्स, एरो टॉलरेंट और माइक्रो एरो टॉलरेंट, ऑब्लिगेट अनारोब्स, ओके. अब सबसे पहले देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया में ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं. Those bacteria that require oxygen and cannot grow in the absence of oxygen, these bacteria carried out only oxidative type of the metabolism is called as the obligate aerobes. Obligate aerobes मतलब कौन से group of microbes हो गए? Those the groups of microbes which is require oxygen. See very carefully. उसमें oxygen की requirement होंगी and cannot grow in the absence of the oxygen. ठीक है. And which is
उसके ग्रोथ के लिए, उसके ग्रो के लिए तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा ही, लेकिन ग्रोथ भी वो विदाउट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं कर सकते, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होंगी ही होंगी। एंड दीज ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया विच इज कैरिड आउट ओनली द ऑक्सीडेटिव टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन देयर यू नो सेल्स इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट एरोब्स। और इसका एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ माइकोबैक्टीरियम बैसिलस, माइकोबैक्टीरिया बैसिलस, ठीक है, दैट इज अ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अनैरोबिक बैक्टीरिया के टाइप्स पे। तो पहला टाइप हो गया फैकल्टेटिव अनैरोब। फैकल्टेटिव अनैरोब क्या हो गया, दोज बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट कैन यूज इट इफ अवेलेबल। सपोज अवेलेबल होगा उस केस में ये ऑक्सीजन को यूज कर सकता है, लेकिन नहीं भी रहा उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में, तभी भी ये सर्वाइव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज दैट ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज द फैकल्टेटिव अनैरोब्स। उस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे अपन फैकल्टेटिव अनैरोब्स। मतलब होगा तभी भी ठीक है, नहीं होगा तभी भी ठीक है। दैट्स ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज द फैकल्टेटिव अनैरोब्स। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोलाई जो वाटर में जनरली प्रेजेंट होता है, क्लेबिसिया साल्मोनेला। ओके, क्लेबिसिया साल्मोनेला जो नेक्स्ट टाइप ऑफ विच इज अंडर इन द एनारोबिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द एरो टॉलरेंट अनैरोब्स। एरो टॉलरेंट अनैरोब्स होता है क्या है, दोज द बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है, दोज द बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट क्या होता है, कैन टॉलरेंट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तभी भी ये टॉलरेंट कर जाएंगे, दैट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द एलो टॉलरेंट अनैरोब्स, एरो टॉलरेंट अनैरोब्स। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ओके, ठीक है, देन माइक्रो एरोफाइल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो एरोफाइल्स? ओके, दोज द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बट एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ द ऑक्सीजन ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड। इसमें क्या हो गया, दोज द ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही कम निग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन पे ग्रो कर जाते हैं, एट एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड। एंड जो भी एटमोस्फेरिक लेवल है ऑफ द ऑक्सीजन पे, दिस बैक्टीरिया, दिस ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया इनहिबिट कर जाते हैं, किल हो जाते हैं, इज कॉल्ड एज अ माइक्रो एरोफाइल्स। अगेन इसका एग्जाम्पल रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कंफाइलोबैक्टर। एग्जाम्पल क्या है इसका, कंफाइलोबैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो अपन जो टाइप देखते हैं इन द कैटेगरी ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज अ फोर्थ कैटेगराइज्ड कैटेगरी में आता है, इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट अनैरोब्स। ऑब्लिगेट अनैरोब्स मतलब होता क्या है, ठीक है, ये देखते हैं अपन कि क्या होते हैं। दोज द बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको एकदम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। जैसे देखो फैकल्टेटिव में क्या होता है, रहेगा मतलब ना, मतलब अवेलेबल होगा तो ये सर्वाइव कर जाएगा, बट ऑब्लिगेट एनारोब में क्या होता है, ये ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करता है, ये होता है ऑब्लिगेट एनारोब, ये होता है ऑब्लिगेट एनारोब। ये जो ऑब्लिगेट ये है ना, मैं रुको मैं पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पॉइंटर लेती हूँ, ठीक है। ये जो ऑब्लिगेट एरोब्स है ना, उसके टोटली अपोजिट है ऑब्लिगेट अनैरोब्स। इसमें क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्रो कर जाते हैं। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट, दैट इज अ पेप्टोकोकस पेप्टोस्ट्रेपकोकस सोस्ट्रिडियम एंड मिथेनोकोकस इज रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, आपको समझ में आया कि एरोबिक में कौन सा टाइप है, अनैरोबिक में कौन सा टाइप है, एरोबिक में ऑब्लिगेट है मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अनैरोबिक में ऐसे कुछ टाइप्स है जिसमें
ऑक्सीजन होगा तभी भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। और ऐसे कोई तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है जिसमें ऑक्सीजन इन द केस कोई कौन से भी केस में नहीं चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन होगा, ये तो अपन ने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंसेंट्रेशन। अभी देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द साल्ट कंसेंट्रेशन और साल्ट रिक्वायरमेंट, उनको कितना साल्ट रिक्वायरमेंट है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। सबसे पहला आता है, मैं पहले लेती हूँ, ठीक है, हेलोफाइट्स। एंड सेकंड जो आता है दैट इज अ हेलो टॉलरेंट। हेलो मीन्स व्हाट? हेलो मीन्स जो भी आपके पेरियोडिक ग्रुप में आपने देखे होंगे, जो भी हेलोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, हेलोजन व्हिच इज द इनर्ट गैस, उसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द हेलो ग्रुप, उसको हेलोजन कहते हैं। हेलो इनर्ट गैस टाइप ऑफ द गैस हो गए, व्हिच इज द इनर्ट टेस्टलेस, जो भी हो गया, ठीक है, वो हो गए हेलो हेलोजन के, तो उसके ही थोड़े से रिगार्ड में है हेलोफाइट्स, ठीक है, और हेलो टॉलरेंट। देखते हैं इसमें क्या है। हेलोफाइट्स दोज द बैक्टीरिया दैट रिक्वायर द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द NaCl फॉर देयर ग्रोथ। हेलोजन है ये, Na मतलब सोडियम, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हेलो हेलोजेनिक व्हिच इज द इनर्ट गैस। ओके, दैट कंसेंट्रेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द हायर कंसेंट्रेशन, उसको हायर कंसेंट्रेशन में लगता है ग्रोथ के लिए, इज कॉल्ड एज द हेलोफाइट्स। दोज ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl फॉर देयर ग्रोथ इज कॉल्ड एज द हेलोफाइट, उसको हम हेलोफाइल कहेंगे। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हेलोफाइल बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। अपन ने देखे हैं कि जो भी सेल मेम्ब्रेन हो गई, मतलब सेल मेम्ब्रेन के विदिन में पेप्टिडोग्लाइकॉन का कंसंट्रेशन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन अकर होता है, पर जो भी हेलोफाइट्स है इनके सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड किया जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विद द हाई कंटेंट ऑफ निगेटिवली चार्ज ग्लूटामिक एसिड एंड द एस्पार्टिक एसिड। एंड इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिएगा, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड जो भी ग्लाइकोप्रोटीन के कंटेंट है। ओके, सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द Na plus ion concentration is required to shield the negative ion. देखो, ये इसका जो high concentration होगा Na plus का is very mandatory for attractive of the negative charges. ठीक है, negative charge को attract करने के लिए ये positive ion का requirement होना बहुत important है in the halophiles में, क्योंकि इसमें attraction होता है। ठीक है, आपने पढ़े ही होंगे attraction and repulsion, जो भी Na होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, जो भी एनी होगा वो प्लस आयन में होगा, इसके पास प्लस आयन होगा और इसके प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ठीक है, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो ये जो भी अट्रैक्शन है वो हेलोफाइल्स में होते हैं, कंसंट्रेशन इनका ज्यादा होता है इन द हेलोफाइल्स। एन एग्जांपल इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज अ आर्चियोबैक्टर्स, हेलोबैक्टर्स एंड हेलोकोकस is a certain example of the halophiles. Then halo tolerant अपन देखते हैं, moving toward the halo tolerant, कि क्या होते हैं ये halo tolerant. Most of the bacteria do not require the NaCl but tolerate the low concentration of the NaCl in the growth media are called as the halo tolerant. ये थोड़ी सी obligate condition हो गई है, तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब most of the bacteria, most of the group of the bacteria do not, यहाँ पे do not लिखा है, ठीक है, do not require the NaCl, ठीक है, but tolerant at the low concentration of the NaCl in the growth media. Suppose low concentration में होंगे तभी भी ये growth कर जाएंगे, that group of the microbes is called as the halo tolerant. The groups of the microbes is called as the halo tolerant. मतलब इसमें नहीं भी होंगे तभी भी चलेंगे, and at the low concentration में होंगे तभी भी चलेंगे, राइट, ठीक है, ये दो पॉइंट्स इसमें याद रख लेना कि हेलोफाइल्स मीन्स व्हाट एंड हेलो टॉलरेंट मीन्स व्हाट। इन हेलोफाइल्स दोज द ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोब्स व्हिच इज हैविंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द NaCl फॉर देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट एंड हेलो टॉलरेंट व्हिच इज एट अ लो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायरमेंट।
ठीक है। अब देखते हैं, आपको ये समझ में आया? राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला इज वन ऑफ अ कंपोनेंट। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। देखो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये थोड़ा सा एंड पे लगा होता है और स्टार्टिंग पे जो ऐसे थ्रेड लाइक सा सब्सटेंस होता है विच इज हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट होल बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज द फ्लैजेला। उसको हम फ्लैजेला कहते हैं, राइट। सो इस फ्लैजेला में बहुत सारे टाइप्स है, देखते हैं अपन कौन कौन से टाइप्स है। ओके, सो फर्स्ट टाइप इट इज नथिंग बट द मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, सेकेंड टाइप लोफोट्रिकस बैक्टीरिया, थर्ड टाइप एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया, फोर्थ टाइप पिट्रिट्रिकस बैक्टीरिया, फिफ्थ टाइप आर्टिट्रिकस बैक्टीरिया। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, मोनोट्रिकस आपको नाम से ही समझ में आया होगा, मोनो मीन्स वन। ओके, मोनो मीन्स वन बैक्टीरिया हैविंग अ सिंगल फ्लैजेला इन वन एंड ऑफ द सेल। सपोज ये जैसे मैंने बैक्टीरिया का सेल निकाला, उसके एट द वन एंड सिंगल फ्लैजेला होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। उसको क्या कहेंगे? मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल वाइब्रियो कोलेरा, सुडोमोनास एरोजिनोसा। ओके, जिस बैक्टीरिया के एक एंड में एक ही फ्लैजेला आकर करेगा उसको कहेंगे मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट लोफोट्रिकस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैविंग द बंडल ऑफ अ फ्लैजेला इन वन एंड ऑफ द सेल। इसमें क्या होगा? सपोज ये बैक्टीरिया सेल, इसके एट द वन एंड में बंडल ऑफ बंडल ऐसा फ्लैजेला का होगा एट द वन एंड ओनली। ओके, इज कॉल्ड एज द लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसका है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। एम्फीट्रिकस, एम्फी मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, बोथ। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया में है क्या? बैक्टीरिया हैविंग अ सिंगल और अ क्लस्टर ऑफ अ फ्लैजेला एट द बोथ एंड। एक तो मैं दो टाइप के बताती हूँ आपको, ये सिंगल आपका बैक्टीरिया सेल है सपोज, तो ये सिंगल फ्लैजेला एट द बोथ एंड होगा और ये बैक्टीरियल सेल है एट द क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला, ये क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला बोथ एंड में होगा। ठीक है, बोथ एंड में होगा। ठीक है, इज कॉल्ड एज द एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। उसको क्या कहेंगे? उस ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया को कहेंगे, क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज द एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। द एग्जांपल इट इज द एक्वास्पिरिलियम, एक्वास्पिरिलियम। देन द पेट्रिट्रिकस बैक्टीरिया, उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया हैविंग अ फ्लैजेला ऑन ऑल ओवर द सेल सरफेस। जो भी अपना बैक्टीरियल सेल है उसके छोटे छोटे मतलब सेल सरफेस पे पूरे जगह पे ये फ्लैजेला ऑकर करेगा, उसको कहेंगे अपन ट्रिट्रिकस बैक्टीरिया। ओके, उसको कहेंगे पेट्रिट्रिकस बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इकोलाई, साल्मोनेला, क्लेबिसिया। ठीक है, दैट इज राइट। अब है आर्किट्रिकस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विदाउट हैविंग अ फ्लैजेला। ये बैक्टीरिया है, इसको फ्लैजेला ही नहीं है, इज कॉल्ड एज द आर्किट्रिकस बैक्टीरिया विदाउट, इसमें एक भी फ्लैजेला नहीं, इज कॉल्ड एज द एग्जांपल इज शिगेला। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, अपन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोर्स। ये जो भी स्पोर्स है वो अनफेवरेबल कंडीशन में, जो भी माइक्रोब्स है अनफेवरेबल कंडीशन में ये करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, मतलब माइक्रोब्स के लिए वो जो भी कंडीशन है वो अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब उनके ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, उस ड्यूरेशन में ये माइक्रोब्स अपने खुद के डिफेंस के लिए स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया and the non-sporing bacteria, okay? जो भी बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करते हैं वो बैक्टीरिया एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो इसमें क्या क्या है देखो, मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म और छोटा सा आइडिया बताती हूँ कि ये स्पोर होता क्या है। देखो सपोज ये बैक्टीरियल सेल है,
तो इसको हमने क्या किए कि ये थोड़ा सा इनिबेट होना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिविटी लूज आउट करने चाहिए, इसलिए हमने सपोज इन केस मैं बताती हूँ आपको, ये अपन ने ब्लैंचिंग की तो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ये तो मर जाएगा, ये तो किल हो जाएगा, इनिबेट हो जाएगा, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक स्पोर ऐसे कवरिंग, हार्ड कवरिंग फॉर्म कर देता है ताकि ये बच सके, ये उस कंडीशन से बच सके, ये इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई ना, इससे बच सके इसलिए हार्ड कवरिंग फॉर्म करता है अपने सराउंडिंग में, इस कॉल्ड एज द स्पोर्स, इस कॉल्ड एज द स्पोर, उसको हम अपन स्पोर कहेंगे, राइट, उसको अपन स्पोर कहेंगे, ओके, आपको समझ में आएगा स्पोर मतलब क्या होता है। तो इसके सर्टन टू टाइप्स होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो एक एक करके देखते हैं अपन क्या होता है। तो ओके, मैंने पहले बता दिया द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस द स्पोर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन जब भी पैदा हो, जब भी आए तभी ये स्पोर फॉर्म करते हैं। देन द इंडोस्पोर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड एक्सोस्पोर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ओके, इंडोस्पोर्म मतलब क्या होता है, अंदर के पार्ट में वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, इज कॉल्ड एज द इंडोस्पोर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एंड एक्सोस्पोर्म मतलब बाहर की तरफ वो स्पोर फॉर्म करते हैं, इज कॉल्ड एज द एक्सोस्पोर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल हो गए बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोशेना, एंड एक्सोस्पोर के एग्जाम्पल हो गए मिथाइलोसिनस, ओके, मिथाइलोसिनस, आपको समझ में आएगा, जो भी ये माइक्रोब्स हो गए अंदर की तरफ, इंडो मतलब अंदर की तरफ एंड एक्सो मतलब बाहर की तरफ, राइट। नेक्स्ट इज दोज द बैक्टीरिया विच इज डू नॉट प्रोड्यूस द स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करते ही नहीं अपने अराउंड की तरफ, अपने प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये स्पोर फॉर्मेशन करते ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और इसके एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट्स ई कोलाई बैक्टीरिया एंड साल्मोनेला, ठीक है, ओके। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन ने देखे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया किस किस बेसिस पे, 10 टाइप्स, 10 फीचर्स, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया पढ़े, राइट, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।